So guys, this is my Tata Nano's wiper blade, which is hella branded. But जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हो, ये बिल्कुल ही बेंड हो चुका है इसका रबर. एंड जैसे इसे यूज़ करो, जितनी मर्जी बारिश आ रही हो, सो एक साइड पे ये फुदक फुदक के जाता है एंड बहुत ही दिक्कत है. So guys, उसकी रिप्लेसमेंट मैंने कर दी थी ऑर्डर एंड वो मेरे पास आ चुकी है फ्रॉम बूमो ऐप और बूमो डॉट कॉम, व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल इट. काफ़ी दिन ले लिया गाइस इसने मेरे पास आने में, बट थैंकफुली इट्स हियर नाउ. सो अब हम इसकी करेंगे बहुत बढ़िया सी अनबॉक्सिंग एंड उसके बाद देखते हैं जो चीज़ हमने ऑर्डर की है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है या नहीं. सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू येट अनदर Tata Nano वीडियो गाइस. So here's the box and I've got my jigsaw का blade. उससे ही मैं इसको काटने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई knife तो था नहीं. So jigsaw का blade पूरी wood काट देता है, तो ये गत्ता क्या चीज़ है उसके लिए. Okay guys, here is the wiper blade which I've ordered. अब जिस brand का order किया है वो ही हूँ. And you also get bill. जो कि काम आएगा नहीं, तो सब कुछ साइड में रखते हैं. ये रहा हमारा वाइपर ब्लेड, फील्स गुड, 26 इंचेस. एंड मैंने वैल्यू ब्रांड का ही ऑर्डर किया था, तो ये वही है वैल्यू फर्स्ट VF26. एंड इसके अंदर बताया हुआ है कि आज स्काइलाइन बस में फीट लीनिया होंडा अकॉर्ड लेलैंड 4921 मारुति सुजुकी S6 4 एंड टाटा मोटर्स नैनो, इन सब में ये फिट होता है. सो उसको भी ओपन किया जाए. वैल्यू सर्विस, मैं पहले एक्चुअली फ्रेमलेस वाइपर मंगवा रहा था, बट एक बार मैंने पहले भी मंगवाया था नैनो के लिए, तो मेरा एक्सपीरियंस वाज नॉट दैट ग्रेट विद दैट. सो दैट इज़ व्हाई मैंने सोचा कि कन्वेंशनल वाइपर ही मंगवा लेते हैं. अरे यार, कोई कटआउट भी नहीं बना रखा इन लोगों ने. कटआउट बना देते तो अपना काम बहुत आसान हो जाता. देयर वी गो गाइस, द वाइपर ब्लेड इज आउट. रबर अच्छा लग रहा है एंड ये प्रॉपर वैल्यू ब्रांडेड है. तो जैसा कि आपने अभी देखा ही था, नैनो में मेरा हेला ब्रांडेड लगा हुआ है, बट वो इतना ग्रेट नहीं था. आई होप दिस वन लास्ट एंड दिस वन इज बेटर. सो फटाफट चलते हैं कार पे, इसको इंस्टॉल करते हैं. मैं मेथड बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है. वैसे तो बहुत सिंपल काम है, बट चलो फटाफट. गाइस, आप अपने वाइपर ब्लेड्स को थोड़ा सा आगे तरफ मूव करोगे तो आपको ये नीचे एक चीज़ मिलेगी. इसमें एक बटन टाइप का चीज़ होगा, वो बेसिकली लॉक को रिलीज़ करता है. सो उसको आप इसको दबा के इसको वाइपर को नीचे की तरफ खींच दोगे तो ये आ जाएगा, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा ही रहा हूँ. बस इसको होल्ड करना है एंड उसके बाद वाइपर को जोर थोड़ी सी ताकत लगा के नीचे की तरफ मूव करोगे, सो आपका वाइपर ब्लेड फ्री हो जाएगा बिल्कुल, जस्ट लाइक दिस. इसको बस हुक से निकाल लेना, बात ही ख़त्म हो गई. एंड गाइस, ये है कंपैरिजन ब्रांड न्यू वाइपर जो कि ये है वैल्यू का. इसका वो रबर ब्लेड देखो बिल्कुल स्ट्रेट है एंड ये हेला का जो कि ख़राब हो चुका है, इसका रबर बिल्कुल मुड़ चुका है एक ही साइड पे. सो उससे एक साइड पे बहुत अच्छा चलता है और एक साइड पे फुदक फुदक के जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है इसका. सो गाइस, अब ये आ गया अपना ब्रांड न्यू. सो जो बीच में एक माउंटिंग मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा टिल्ट करना एंड हुक जो हमें दे रखा है हमारे वाइपर आर्म पे, ये वाला हुक, इसके नीचे से बस इसको डाल देना है. उस वहाँ से हमने इसको नीचे खींचा था, यहाँ से बस इसको ऊपर दबाएंगे. बस यही करना था इस वाइपर के अंदर, कुछ भी नहीं. जस्ट इसके अंदर लगाया एंड पकड़ के आप इसको खींच दोगे तो ये फिट हो जाएगा. ये खासा करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी. जस्ट लाइक दिस, बस ये निकाल के अंदर से खींच देना है, बस बात ही ख़त्म हुई. वो लॉक हो जाएगा अपने आप. सो बस ये वाइपर नोजल में निकाल लगा दिया वापस, काम ही कम्प्लीट हो गया. अभी इसको नीचे रखने से पहले ज़रा विंडस्क्रीन को थोड़ा सा साफ कर लें, ज़्यादा नहीं. देन फिर जब बारिश आएगी तो जला के देखेंगे. ये रख दिया है वाइपर, लुक्स गुड ना. ब्रांड न्यू चीज़ तो यार ब्रांड न्यू होती है. सो गाइस, मज़े की बात है कि बारिश आ गई, ये वाइपर को टेस्ट आउट कर लेंगे. ये फर्स्ट टाइम टेस्ट आउट होने वाला है गाइस. अब हियर वी गो, ऑसम स्वीप ना. एक बार फिर करते हैं, अल्टीमेट, एकदम स्मूथ, नो फुदक ना, नो नथिंग, सेक्सी. चलो दो सीजन निकाल दे तो मजा आ जाएगा. So guys, this is how you replace and install a brand new wiper onto your Tata Nanos. और जिस कार के अंदर भी ये सेम टाइप का हुक शेप का वाइपर आर्म है.
सो गाइस मजे की बात तो ये है कि जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया ना उसी टाइम ही बारिश आ गई, मतलब उसके 10 मिनट या 15 मिनट के बाद ही बारिश आ गई। सो टेस्ट आउट भी हो गया, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है इट इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। दूसरा वाला क्या करता था, जब वो ऊपर जाता था ना फुदक फुदक के चू 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 करके जाता था और नीचे एकदम सूख जाता था क्योंकि इसका वो रबर मुड़ चुकी थी। सो आई डोंट नो कि उसमें कितना टाइम हुआ था, एक साल या दो साल, जस्ट आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ टाटा नैनो वीडियो, एंड प्लीज टू चेक सम ऑफ माई अदर वीडियोज गाइज इफ यू आर न्यू टू चैनल, एंड अगर आप पुराने भी हो तो अगर बाय चांस कोई वीडियो रह गया तो एक बार वीडियोज का पेज ओपन करना, कोई बाय चांस रह गया हो तो उसे भी चेकआउट कर लेना। आई होप यू गाइज लाइक एवरीथिंग आई मेक, कोई भी फीडबैक गाइज आप सबका रहता है तो प्लीज डू लेट मी नो, आई इम्प्लीमेंट दैट। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव फन।